हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रतिमा डी ब्लॉग्स पे। और यहाँ हम लोग जा रहे हैं अपनी कार लेने, तो आज फिलहाल मेरी कार आ ही जाएगी। और यहाँ हम लोग तैयार हो गए हैं और हम लोगों को लेने गाड़ी आ रही है, तो हम लोग तैयार होके गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये हमारे दोनों बच्चे इतने ज़्यादा खुश हैं क्योंकि आज हमारी कार आने वाली है, तो इनको बहुत खुशी है। इनके साथ हम भी खुश हैं, हमारे पति देव खुश हैं, हमारे लाइफ की पहली कार आ रही है। हाय हाय, कहाँ जा रहे हैं? कार लेने। कौन सी कार? एस क्लास। मेरी साइकिल का भी नाम है हाँ, क्रॉस। हाँ। और आज हम तीनों पहन रखे हैं जींस। तीनों ही? चारों। हाँ, पापा भी तो मैं जीन नहीं है, जीन मेरा पति देख। अच्छा लग रहा है सर, ऐसे ना ले लो एक रेड मेरा। हमारा तो और अच्छा लग रहा है, ब्लू जीन्स। हाँ, तेरा भी अच्छा। ये मैंने अपने बर्थडे में पहना था। धीरज धीरज ना पहुँचने वाला है। चलो 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 नीचे। अभी आए ही नहीं है। अभी नहीं है, अभी रोहित ने पेट्रोल लगा रहा है। Yes, crowbars. शोरूम में आ गए हैं, मारुति के शोरूम में। और यहाँ हम लोग बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि पेपर वगैरह थोड़ा बहुत जो रह गया था रेडी हो रहा है। और हमारे पति चेहरे की अलग ही खुशी देखिए, अलग ही उनके चेहरे पर रौनक है। हम सब खुश हैं, पर उनके लाइफ की, उनकी कमाई की पहली कार है। और सबसे बड़ा हाथ इन भैया का है, इनका तो जितना ही शुक्रिया करो उतना ही कम है। माता रानी इनको ऐसे ही खुश रखें, इनको आगे बढ़ाएं। और फिलहाल ये देखिए, हमारी पहली कार रेडी हो गई है हम लोगों के पास आने के लिए। तो इसे पॉलिश वगैरह कर दिए हैं, बिल्कुल सजा रहे हैं इसको। और हमारे बच्चे चारों तरफ से घूम घूम के देख रहे हैं, जब से आए हैं दो बार तीन बार देख रहे हैं। और यहाँ हमें गाड़ी का जो कागज़ वगैरह है मिल गया है, और कवर भी हम लोग यहीं से ले लिए। तो देखिए, हमारे पति देव सब घूम घूम के देख रहे हैं। और ये भैया के पास गाड़ी है पहले से, तो इनसे पूछ रहे हैं क्या कैसे होता है। और भैया ही चला के ले जाएंगे क्योंकि हमारे पति जी को गाड़ी बहुत कम आती है चलानी, तो फिलहाल अभी चलाए भी नहीं है पहली बार।
चलाएंगे, पर अभी सीखेंगे, इन्हीं भैया से सीखेंगे। और यहाँ मैं खड़ी थी, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे तो लग रहा था मैं यहाँ से जाऊँ ही ना, यहीं बैठी रहूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था शोरूम में। और यहाँ भाई भी खड़ा है, और देखिए कलर कितना प्यारा कलर, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे तो बहुत प्यारा। हम लोग शुरू से बोल रहे थे कि हम जब भी गाड़ी लेंगे तो यही कलर लेंगे, और हम लोगों का पसंद भी यही कलर था। और यहाँ देखिए हर 5 मिनट पे चाय और पानी और कॉफ़ी आ रही थी, तो यहाँ सब पानी पी रहे हैं, और गर्मी भी काफ़ी है तो सबको प्यास भी लगी थी। और देखिए दोनों बच्चे, छोटू तो बार बार जाके गाड़ी में बैठ रहा है, तो यहाँ हंस रहे थे ये लोग, और ये भैया भी घूम घूम के देख रहे थे। उसके बाद आ गया यहाँ केक, तो हमारे दोनों बच्चे मिलके केक काट रहे हैं यहाँ, और दोनों बहुत खुश हैं केक काटते समय, उन्हें तो केक मिल जाए, बहुत केक खाते हैं दोनों को, बहुत पसंद है केक, वो भी चॉकलेट वाला आ जाए तो और पसंद है। तो दोनों को दोनों मज़े से काट लिए मिलके भाई, और यहाँ खिला रहे हैं उनके पापा दोनों बच्चों के केक। और यहाँ मुझे भी बोले कि आ जाओ तुम्हें भी खिला दूँ, बोले ठीक है आ जाओ खिला दो, मैं भी आपको खिला दूँ, आप खिलाए हो तो मीठा तो बनता है, हमारी लाइफ की पहली कार है तो मीठा तो बनता है। यहाँ पति देव भी खा लिए, और यहाँ भाई वीडियो बना रहा था तो भाई को भी बोले कि आ जाओ, तो यहाँ भाई भी केक खा लिया, सबको केक खिला दिए। और हम लोग अब जाने के लिए रेडी हो रहे हैं, अभी हमें चाबी दी जाएगी, तो यहाँ भाई भी रेडी हो गया है सब चलने के लिए। और यहाँ आ गए जो मैनेजर थे, वो हमें फ्लावर दिए, और उसके बाद हमें जो बड़ी सी चाबी पकड़ाई जाती है, और ये हमें चॉकलेट गिफ्ट में चॉकलेट मिला है, और एक चाबी हमें पकड़ाई गई, तो ये बोले कि तुम ही पकड़ लो चाबी, तो यहाँ हम पकड़ लिए चाबी, बोले कि तुम्हारे वजह से कार आ रही है, तुम ही बोली हो तभी आई है तो पकड़ी। और यहाँ सबको मीठा जो आया था, लड्डू आया था मीठे में, तो यहाँ ये भैया लड्डू सबको बांट रहे हैं, तो यहाँ सब बहुत खुश हैं, और वो उससे ज़्यादा हम लोग खुश हैं, हमारे बच्चे खुश रहे हैं। आ गई हमारी फर्स्ट कार, आप लोगों को कैसी लगी हमारी कार कमेंट में ज़रूर बताना, और कलर कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ हम लोग अब जाने के लिए रेडी हो रहे हैं, तो यहाँ यहाँ हम लोग भी मीठा खा रहे हैं, भैया बोले कि आप लोग भी खा लीजिए तो मैं बोली ठीक है, तो यहाँ हम लोग भी खा लिए, और हमारी कार जो है वो बाहर निकाल दिए ये लोग, तो अब हम लोग जाने के लिए रेडी हो गए। और जैसे ही कार बाहर निकली वैसे ही हमारे खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं, और यहाँ जो भैया थे वो लोग भी बहुत खुश थे। तो यहाँ हम लोग फर्स्ट कार में, अपनी पहली कार में पहली बार बैठे हैं, देखिए, और छोटू प्रणाम कर रहा है आप लोगों से, और माता जी की जयकारी लगाए हमारे पति देव, क्योंकि हमारे यहाँ माता जी के बगैर कोई काम नहीं होता, गैर माता जी का नाम लिए। और यहाँ हम लोग सीधे गाड़ी लेके आ गए मंदिर, तो मंदिर में पंडित जी से पूजा कराने, और ये पंडित जी बहुत अच्छे से पूजा करते हैं, हम लोग अक्सर यहीं मंदिर में आते हैं चिंतापुरी मंदिर में, और यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगता है, और ये पंडित जी भी हमें बहुत अच्छे लगते हैं, जो भी करते हैं बहुत अच्छे से करते हैं। तो हम लोग बाइक लिए थे, जब पतिदेव पहली बार बाइक लिए थे तो यहीं पूजा कराए थे, और गाड़ी भी लिए हम लोग तो यहीं पूजा कराने आए। और पंडित जी बकायदे मंत्र वगैरह पढ़ के अच्छे से पूजा करते हैं, तो यहाँ हमारे से पहले एक गाड़ी आई थी उसका पूजा हुआ, उसके बाद हम लोगों की ये दूसरी गाड़ी यहाँ आई है पूजा कराने के लिए, क्योंकि हमसे पहले एक गाड़ी यही खड़ी थी यहाँ पूजा कर रहे थे पंडित जी, फिर उस गाड़ी को हटाए, उसके बाद हम लोग अपनी गाड़ी लगा दिए यहाँ पूजा करने के लिए। तो देखिए पंडित जी मंत्र वगैरह पढ़ रहे हैं, सब लोग हाथ जोड़ के खड़े हैं, तो यहाँ लड्डू लाए थे पूजा के लिए, लड्डू ही लाए थे,
यहाँ पंडित जी दे रहे हैं चढ़ाने के लिए गाड़ी के ऊपर, जो चढ़ता है तो मंत्र वगैरह पढ़े, उसके बाद चढ़ाने के लिए सबको बोले हाथ लगा लो सब एक साथ ही, तो सबके हाथ से लड्डू चढ़वाए और उसके बाद फूल दिए सबके हाथ में, उसके बाद मंत्र पढ़े अच्छे से। तो पंडित जी जिस हिसाब से पूजा कराए ना, उनका पूजा कराने का जो तरीका था हमें बहुत अच्छा लगा और मन बहुत खुश हुआ। पंडित जी को फिर हम लोग दक्षिणा भी दिए 1100 रुपये, तो पंडित जी भी बहुत खुश थे। और फिर हम लोगों को नारियल भी पंडित जी दिए, हम लोग अंदर गए दर्शन करने मंदिर में तो नारियल दिए हम लोगों को। तो यहाँ हमारे दोनों बच्चे भी हैं और भाई वीडियो बना रहा है और छोटू को फ़ोटो खींचने दिए तो वो फ़ोटो नहीं खींच रहा है। और फिर पंडित जी अंदर भी पूजा किए, क्योंकि अंदर गणेश जी की मूर्ति रखवा दिए थे हम लोग, वहीं शोरूम में ही लगवा दिए थे, तो पंडित जी अंदर भी पूजा किए बकायदे। तो देखिए, अगर आपकी गाड़ी आई नहीं, अगर अच्छे से पूजा हो जाती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। और हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पूजा करा के मंदिर में। और उसके बाद हम लोग आ गए दर्शन करने माता जी के, तो पतिदेव बोले कि चलो माता जी का दर्शन भी कर लें, तो हम लोग आ गए अंदर दर्शन करने। तो यहाँ छोटू भी आया है साथ में और मैं भी आई हूँ। तो आप लोगों को कैसी लगी मेरी गाड़ी कमेंट में ज़रूर बताना, और सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना कैसी लगी गाड़ी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।